कुछ स्टॉक्स की रिगार्डिंग ब्रेकिंग न्यूज है, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट न्यूज है अडानी की रिगार्डिंग। न्यूज ये है कि मुंबई गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी प्रॉपर्टीज को धारावी एरिया को रीडेवलपमेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। 3 कंपनीज ने इसे बिड लगाई थी, जिसमें से अडानी ग्रुप ने वो बिड जीत ली है। ये प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ का है, काफी टाइम से ये पेंडिंग चल रहा था, अब जाकर फाइनली इसके ऊपर काम स्टार्ट होगा। धारावी एरिया 300 एकड़ में फैला हुआ है, तो ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट ने कहा है कि उनका प्लान है कि नेक्स्ट 7 ईयर के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। सेकेंड बड़ी न्यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए है। चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है BYD, उसने $1 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दिया है इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड बैटरी बनाने के लिए। वो ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं हैदराबाद की एक कंपनी मेगा इंजीनियरिंग के साथ। अभी ज्वाइंट वेंचर को इंडिया रेगुलेटरी में सबमिट किया गया है। उम्मीद यही है कि इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी इसके लिए एग्री नहीं होगी, क्योंकि इंडिया चाइनीज चीज़ों को वैसे भी कम करने फोकस करता है। तभी तो इंडिया में काफ़ी सारी ऐप्स को बैन किया गया था जो चाइनीज ऐप थी। बाकी आने वाला टाइम बताएगा। अगर ये होता है तो फिर इंडिया की लोकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कंपनी के लिए काफ़ी दिक्कत होने वाली है, लाइक टाटा मोटर्स, मारुति, क्योंकि पहले टेस्ला आ गई थी, अब ये BYD, दोनों ही बहुत बड़ी कंपनी है। अभी बस न्यूज़ आई है, ऑफिशियल कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जैसे ही कुछ होगा मैं आपको वीडियो से शेयर कर दूंगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना। यहाँ मैं आपको सभी स्टॉक्स की रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करता रहता हूँ, और साथ में अच्छे स्टॉक्स के नेम भी आपको मेरे वीडियो से मिलते रहते हैं। सो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो। थर्ड न्यूज़ है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की रिगार्डिंग। HAL ने बताया है कि उन्होंने सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन्स SAS के साथ ज्वाइन वेंचर किया है हेलीकॉप्टर इंजन्स को डिज़ाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, सेल एंड सपोर्ट के लिए। सो HAL को बैक टू बैक डील मिलती जा रही है, जिसके कारण HAL के शेयर में तेजी कंटिन्यू हो रही है, और ये तो शुरुआत है। जैसे जैसे डिफेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जिस तरह डिफेंस एरिया को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो डिफेंस सेक्टर की कंपनी के लिए आने वाला टाइम और भी अच्छा होने वाला है। वीडियो को सभी को शेयर करें ताकि सबको न्यूज़ जानकारी मिल सके। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।